गुड मॉर्निंग इंडिया, न्यूज जो आपको रखती है अप टू डेट, और आप जान सकते हैं आपके शहर और आपके आसपास क्या घटनाएं घट रही हैं। तो चलिए देखते हैं आज की फास्ट 15 खबरें। कोलकाता के न्यू टाउन के डीडी ब्लॉक में एक होटल में एक गृहवधू का रक्त रंजित शव मिला था। इस मामले में उसके प्रेमी अमित घोष को गिरफ्तार किया है। इससे पूछताछ में टेक्नो सिटी थाना की पुलिस को ये पता चला है कि गृहवधू चुमकी घोष का अमित से एक वर्ष से संबंध चल रहा था। कोलकाता के बागोईहाटी में 2 जनवरी को एक बार बाला की फ्लैट में रक्त रंजित राख मिली थी। इस मामले में बागोईहाटी थाना के पुलिस ने उत्तर 24 परगना के रेहड़ा से उसके दोस्त सौरभ चक्रवर्ती को गिरफ्तार में लिया है। अन्य राज्यों की तरह पश्चिम बंगाल में भी कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू होने जा रहा है। स्वास्थ्य भवन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को राज्य भर में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन होगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन किया जाएगा। हालांकि कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म महोत्सव का आयोजन वर्चुअली तरीके से किया जाएगा। इसके अलावा इस समारोह में बेहद सीमित लोग को ही बुलाया जाएगा। कोलकाता के रामपुर हाट के तारापीठ मंदिर की तर्ज पर पूर्व मिदनापुर जिले में पासकुड़ा ब्लॉक के चक गोपाल गाँव में दूसरा तारापीठ मंदिर बन रहा है। 6 एकड़ जमीन पर 90 फुट ऊंचाई के मंदिर का निर्माण कार्य काफी तेजी से चल रहा है। 51 सीढ़ी चढ़कर मां के दर्शन करने होंगे। सोनू सूद विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। बीएमसी ने एक 6 मंजिला रिहायशी इमारत को होटल में तब्दील करने के आरोप में उनके खिलाफ जुहू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों पर अब मौसम की मार भी पड़ रही है। पिछले कई दिनों से ठंड में किसानों की हालत खराब थी, अब लगातार कई दिनों से रुक रुक कर होने वाले बारिश ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है। इस बीच सिंधु बॉर्डर पर किसानों ने सभी टेंटों को वाटरप्रूफ प्लास्टिक की चादरों से ढकने के बड़े पैमाने का काम शुरू किया है। गुरुवार को टेस्ट क्रिकेट में एक बड़े बदलाव की शुरुआत हुई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी टेस्ट में महिला अंपायर ने मैच की कमान संभाली। पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी के तौर पर क्लियर पोलोसोक ने मैदान में कदम रखा। भारत का पहला फायर पार्क ओडिशा के भुवनेश्वर में खोला गया है। फायर पार्क का उद्देश्य अग्नि सुरक्षा उपायों पर जागरूकता फैलाना है। बदायूं गैंगरेप हत्या मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान दिया है और इस संबंध में एडीजी से रिपोर्ट मांगी है। उत्तर प्रदेश उपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने जानकारी देते हुए बताया है कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं अगर एसटीएफ को भी लगाना पड़े तो उन्हें लगाकर जल्द ही घटना की जांच की जाए और त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने निगरानी बढ़ा दी है। महाराष्ट्र सरकार के पशुपालन मंत्री सुनील केदार ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार बर्ड फ्लू वायरस को लेकर अलर्ट पर है। सुनील केदार ने कहा है कि ठाणे में भी 10 से 12 पक्षियों की मौत हुई है। शव के नमूनों को जांच के लिए भेजा गया है पर बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। पंजाब में भी अब 5वें से 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। हालांकि इस पर बच्चों के अभिभावकों ने सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि पहले वैक्सीन लगाना चाहिए था, इसके बाद स्कूल खुलते, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है। लुधियाना के ही स्कूल के अध्यापक राजहंस ने बताया कि इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर WDFC के रेवाड़ी प्रदार खंड को देश को समर्पित कर दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से चलने वाली दुनिया की पहली डबल स्ट्रैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वोडाफोन आइडिया कॉल क्वालिटी के मामले में लगातार नंबर 1 हुआ है। नवंबर के बाद दिसंबर के आंकड़े ट्रेल ने जारी किए, इस बार भी कंपनी नंबर 1 पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। वहीं अब अमेरिका कांग्रेस में इलेक्ट्रोल कॉलेज को लेकर बैठक से पहले गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया, जिसकी वजह से वॉशिंगटन DC में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिससे एक महिला की मौत हो गई है और एक नागरिक को गोली भी लगी है। तो वहीं इसी बीच ट्रंप को ट्विटर अकाउंट 12 घंटे के लिए लॉक कर दिया गया है और उन्हें ट्विटर की तरफ से चेतावनी भी दी गई है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी हमारी मुलाकात फास्ट 15 में। इस चैनल के सभी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
नोटिफिकेशन पाने के लिए राइट में बेल बटन को दबाना ना भूलें।